दोस्तों नमस्कार, मैं जगन्नाथ गौतम, देश रोजाना यूट्यूब मंच पर आपका स्वागत है। दोस्तों, जैसा कि आप जानते हैं कि हरियाणा में विधानसभा चुनावों की घोषणा हो चुकी है और चुनावों की घोषणा के साथ ही हर पार्टी के दावेदार मुखिया अपनी अपनी ताले ठोक कर मैदान में कूद गए हैं। अब भविष्य किसका उज्जवल है, कौन जीतेगा कौन हारेगा, ये तो प्रदेश की जनता तय करेगी। लेकिन दोस्तों, इन विधानसभा चुनावों में एक पूर्व मुख्यमंत्री की साख दांव पर लगी है और एक वर्तमान मुख्यमंत्री की साख दांव पर लगी है और दोनों अपनी अपनी जीत के दावे कर रहे हैं। किसका दावा कितना भारी, कौन किस पर भारी पड़ेगा, भाजपा कांग्रेस पर भारी पड़ेगी या कांग्रेस भाजपा पर भारी पड़ेगी, जैसा कि मैंने कहा, ये तो जो है प्रदेश की जनता तय करेगी। लेकिन दोस्तों, वर्तमान मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी जी दावा कर रहे हैं कि भाजपा हरियाणा में तीसरी बार आ रही है और मैंने जो वादे किए हैं, मैं पिछले वादों की तो बात क्या कहूं क्योंकि जो मैंने किए ही नहीं। मैं तो अभी कुछ महीने से हरियाणा की सत्ता में काबिज हुआ हूं, हरियाणा का मुख्यमंत्री पहली बार बना हूं और जैसे ही मैं मुख्यमंत्री बना, मैंने जो जनता की तकलीफें देखी, उनकी जो समस्याएं सुनी, दौरे किए, अपने कार्यकर्ताओं से उनकी समस्याएं जानी, हर जिले की समस्या सुनी और हर जिले की और पूरे हरियाणा की जिस तरीके के भी जनता की समस्या है, मैंने उसका समाधान करने का प्लान बनाया और मैंने वो सारी घोषणा की हैं जो प्रदेश की जनता चाहती है कि उसके लिए ये काम होने चाहिए, ये काम होने चाहिए थे जो नहीं हुए। तो नायब सिंह सैनी दोहराते हैं कि मैंने कुछ काम तो शुरू करा दिए थे और यदि मुझे एक डेढ़ महीना और मिल जाता तो मैंने जितनी घोषणाएं की हैं उनमें से ज्यादातर को मैं पूरी करके रहता। मैं फिर दोहरा रहा हूं, नायब सिंह सैनी कहते हैं कि मुझे ये भरोसा नहीं था कि इतनी जल्दी चुनावों की घोषणा हो जाएगी, लेकिन वो दावा कर रहे हैं तो चलो कोई बात नहीं है, तीसरी बार भी हरियाणा में भाजपा की सरकार आ रही है और मैं मुख्यमंत्री बनूंगा और जो जो मैंने वादे प्रदेश की जनता से किए हैं उन्हें एक एक कर पूरा करूंगा। देखिए ये वीडियो क्लिप, उसमें मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी जी क्या क्या दावे कर रहे हैं। इनको 6 महीने के अंदर सदन में लाना होता है, अब आगे जो जो है अभी तो चुनाव है तब पता चलेगा कि सरकार हरियाणा सरकार है, कल कर दिया, इतने बड़े बड़े निर्णय ले रहे हैं, कोई वैसी ले रहे क्या? बिल्कुल सरकार है रिया, ये बिल्कुल आप इस बात को क्लियर, मेरा विजन है कि हरियाणा प्रदेश का छोटे मैंडेट से नहीं आ रही, बहुत बड़े मैंडेट के साथ तीसरी बार सरकार आ रही है और जितने निर्णय किए हैं हमने कुछ तो लागू कर दिए, क्योंकि कल मुझे मालूम नहीं था कि आज ये आचार संहिता लग जाएगी, जितने भी निर्णय किए हैं एक एक को विधानसभा के अंदर भी लागू करेंगे, कोई किसी हरियाणा वासी को संशय में रहने की जरूरत नहीं। अब आते हैं हम कांग्रेस की तरफ। दोस्तों, भूपेंद्र सिंह हुड्डा हरियाणा के स्थापित नेता है, उनके पिताजी भी
कांग्रेस के बड़े नेता थे, भूपेंद्र सिंह हुड्डा भी कांग्रेस के बड़े नेता हैं, हरियाणा के बहुत दिग्गज नेता हैं, 10 साल मुख्यमंत्री रहे हैं, और यहाँ तक कि कई बार वो रोहतक से सांसद चुने गए। और एक और बहुत बड़ी बात है जो हुड्डा जी का कद बढ़ाती है, वो ये है कि भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने देश के उप प्रधानमंत्री रहे ताऊ देवीलाल को भी रोहतक से पटक नहीं दे दी थी, और ताऊ देवीलाल हर कीमत पर रोहतक से चुनाव जीतना चाहते थे लोकसभा का, क्योंकि वो मानते हैं कि रोहतक प्रदेश के जाटों की राजनीति रोहतक से चलती है, रोहतक राजधानी है, जाट मतलब जाट कौम की जो राजनीति चलती है उसका गढ़ रोहतक है, और वो हर कीमत पर रोहतक को जीतना चाहते थे। लेकिन जीते जी भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने उनका ये सपना पूरा नहीं होने दिया और उनको चुनाव में हराया। तो दोस्तों ये हैं भूपेंद्र सिंह हुड्डा, और भूपेंद्र सिंह हुड्डा क्या कह रहे हैं कि हम जो 10 साल में भाजपा ने कर्म किए हैं हम उनका सब हिसाब मांग रहे हैं। हमारी यात्राएं पूरे हरियाणा में चल रही हैं, और उन यात्राओं में जो हम जनता से बात कर रहे हैं, आम आदमी से बात कर रहे हैं, हर जिले में जाकर वहां की जनता से फीडबैक ले रहे हैं कि जो भाजपा दावे कर रही है क्या वो काम हुए हैं, क्या वो विकास कार्य पूरे हुए हैं, क्या जो दावा किया गया था जेजेपी और भाजपा सरकार का कि हम वृद्धावस्था जो पेंशन है उसको इतना देंगे, उस पेंशन को इतना बढ़ाएंगे, या सरकारी स्कूलों के ये लिए करेंगे, अस्पतालों के लिए ये करेंगे, महिलाओं के लिए ये करेंगे। तो भूपेंद्र सिंह दावा करते कि जो इन्होंने सैकड़ों दावे किए हैं आंशिक रूप से भी इस सरकार ने पूरे नहीं किए, और ये हम अपनी तरफ से कोई राजनीतिक बयान नहीं दे रहे हैं, ये हम प्रदेश की जनता की आवाज बता रहे हैं, और प्रदेश की जनता बुरी तरीके से भाजपा सरकार से नाराज है, और वो तुली हुई बैठी है कि जिस दिन चुनाव आए हम वोट डालें और इस नकारा भाजपा सरकार को सत्ता से बाहर करें। और भूपेंद्र सिंह हुड्डा क्या नारा दे रहे हैं वो बड़ा मजेदार है, आपको भी अच्छा लगेगा। वो अपनी जनसभाओं में अपनी इस जनता मांगे हिसाब वाले प्रदेश भर की यात्रा जो वो कर रहे हैं, उनके बेटे भी कर रहे हैं और कुमारी शैलजा भी कर रही हैं, वो जो है 10 सालों का हिसाब भाजपा से मांग रहे हैं। और इधर जो हुड्डा जी को फीडबैक मिल रहा उससे वो गदगद है, और वो मान रहे हैं कि अक्टूबर 4 बीजेपी हरियाणा से बाहर। मैं रिपीट कर दूं, जो नारा आजकल जनता के फीडबैक से हुड्डा जी दे रहे हैं कि अक्टूबर 4 और बीजेपी हरियाणा से बाहर, उनकी भी ये वीडियो क्लिप देख लीजिए कि वो क्या दावा कर रहे हैं। मैं तो एक लाइन में ही कार्यक्रम का क्रक्स देता हूं, मैं अक्टूबर 4 बीजेपी हरियाणा से बाहर, अक्टूबर 4 को होगी बीजेपी हरियाणा से बाहर, क्योंकि जहां पे जो कार्यक्रम किए हैं हमने, जो कार्यक्रम चले हैं जहां पे भी गए, जैसे 22 के 22 जिलों में हम गए, और भी कार्यक्रम चल रहे हैं हमारे, चले हरियाणा मांगे हिसाब पहले, दूसरे कार्यक्रम चले, जो
मिल रहा है सहयोग, जिस प्रकार से जोश में लोग आ रहे हैं, जोश से मिल रहे हैं, समर्थन जो मिल रहा है लोगों का, उसके आधार पर मैं कह सकता हूँ, अपना मेरा राजनीतिक तजर्बा भी बहुत है, चुनाव लड़े हैं, 36 बिरादरी ने फैसला कर लिया है कि आने वाली सरकार कांग्रेस पार्टी की सरकार बनाएगी। तो दोस्तों, एक वर्तमान मुख्यमंत्री, एक पूर्व मुख्यमंत्री, दोनों के अजब गजब दावे हैं, किसके दावों में कितनी जान है, कौन सच बोल रहा है, किसके वादों पर जनता यकीन करे और किसको करना चाहिए, तो ये तो दो दर्शकों से मेरे कहना है कि वो हमें अपना फीडबैक दें, कमेंट्स दें, कि एक वर्तमान मुख्यमंत्री और एक पूर्व मुख्यमंत्री जो दावे कर रहे, किसके दावों में कितना दम है, और हरियाणा में इस बार सचमुच किसकी सरकार आ रही है। कमेंट्स करके हमें बताइए। देखते रहिए देश रोजाना। नमस्कार। हमारे साथ जुड़े रहने के लिए सब्सक्राइब करें देश रोजाना के YouTube चैनल को, और नई वीडियो की नोटिफिकेशन पाने के लिए बेल आइकन जरूर दबाएं। अगर आप ये वीडियो Facebook या Instagram पर देख रहे हैं तो पेज को लाइक और फॉलो जरूर करें, और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें।